मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, जैसा कि हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, जिसको वन डे से लेकर जितने भी एग्जाम होते हैं उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे उससे डिजीज से रिलेटेड आ जाए, चाहे उसके फंक्शन से रिलेटेड आ जाए, या उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड आ जाए। तो हम लोगों की बात किस पे हो रही थी, तो सबसे पहले तो ये जाने कि जो वीडियो आज पढ़ने जा रहा है, ऑलरेडी इस टॉपिक के 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको सीक्वेंस में डीप नॉलेज लेनी है तो पहले उन दोनों वीडियो को देखेंगे सीरियल वाइज, देन आज वाला टॉपिक देखेंगे। हम लोगों की जो बात हो रही थी परसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात हो रही थी, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परसंचरण तंत्र। परसंचरण तंत्र पे हमने इसको 2 भाग में डिवाइड किया था कि लसिका तंत्र यानी लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लसिका तंत्र, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। अब इसको मैंने कहा था, इस वाले टॉपिक को हम बाद में खत्म करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, क्लोज एंड ओपन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद सर्कुलेटरी सिस्टम और खुला सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बंद सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर होता है, जिसके लिए ब्लड सप्लाई के लिए हार्ट से बकायदा आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज होती हैं, जैसे हम लोग। तो हम लोगों के अंदर कैसा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आपका एनेलिडा हो गया, ये केचुआ हो गया, तो इसके अंदर क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। पर आर्थ्रोपोडा हो गए, इंसेक्ट हो गए, कॉकरोच हो गए, इन सब के अंदर क्या है, क्लोज सर्कुल, इन लोगों के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यानी कि इसमें हार्ट क्या करता है, ब्लड को ऐसे पंप कर देता है डायरेक्ट, इसमें कोई आर्टरी वेन्स नहीं होती है। इस लूप पे हम लोगों की बात ऑलरेडी हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने बात की थी ब्लड पे, कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 ब्लड मतलब खून, नंबर 2 ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियां, और तीसरा आपका हार्ट यानी कि हृदय। इन तीनों बातों पे हम लोगों की बात किस पे हो गई थी, खून पे बात हो गई थी, हृदय पे हम लोगों की चर्चा चल रही थी। हमने कहा था हृदय के फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि जो हमारा हार्ट है ये किसका बना हुआ है, ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। जैसा कि आपका होता है ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और हृदय मांसपेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं जिसपे हमारा कंट्रोल हो, जैसे ये हाथ हो गया, जिसपे हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। अनैच्छिक यानी कि आपका जिसपे कंट्रोल ना हो, जैसे खाना खा लो कह दो डाइजेशन नहीं होने देंगे, या पानी पी लो कह दो यूरेट्री में, इसको यूरेथ्रा में नहीं जाने देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता उसको बोलते हैं अनैच्छिक मांसपेशियां, या इंग्लिश में इनको बोलते हैं वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक, नॉन वॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, और कार्डियक मतलब हृदय मांसपेशियां। तो हृदय किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है, जिसमें मैंने कहा था 4 चैम्बर होते हैं आदमी के हृदय में, या ह्यूमन हार्ट की बात करें तो। और इसके ऊपर वाले दोनों को बोलते हैं दाया अलिंद, और मतलब राइट अर्कल, राइट वेंट्रिकल मतलब दाया नीले, लेफ्ट अर्कल मतलब बाया अलिंद, और लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बाया नीले। अब देखो, मैंने कहा था इसके किनारे किनारे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्रोटेक्ट करती है, शॉक से बचाती है, इंजरी से बचाती है, बहुत प्रकार से हेल्प करती है, और इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम झिल्ली। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, डबल मेम्ब्रेन है ना, जैसा कि देख रहे हो, ये डबल झिल्ली के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड या लिक्विड या FLUID, ठीक, पेरिकार्डियम फ्लूइड। अब ये जो दाया अलिंद है और दाया नीलय, ये किससे, ट्राइकस्पिड वाल्व यानी तिरवलय कपाट द्वारा जुड़े होते हैं। दाया अलिंद दाया नीलय से तिरवलय कपाट द्वारा जुड़ा होता है, और बाया अलिंद बाया नीलय से यानी लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट अर्कल, अर्कल टू वेंट्रिकल बाइकस्पिड वाल्व, अर्कल टू वेंट्रिकल राइट अर्कल टू वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, यानी तिरवलय कपाट होता है, और दाया अलिंद दाया नीलय में द्विवलय कपाट होता है, और अलिंद अलिंद भी एक झिल्ली द्वारा अलग होते हैं, जिनको बोलते हैं इंटर अर्कल सेप्टम, यानी कि हिंदी में बोलेंगे अंतः अलिंद झिल्ली।
इंटर अर्कल सेप्टम और वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में जो वेंट्रिकल वेंट्रिकल देखो अर्कल और वेंट्रिकल का कौन अलग कर रहा है राइट राइट वाले को तो ट्राइकस्पिड वाल्व अलग कर रहा है। अलिंद और नीले बाएं वाले को कौन अलग कर रहा है तो डाइकस्पिड वाल्व यानी दोले कपाट अलग कर रहा है। दायां अलिंद और दायां अलिंद और बाएं अलिंद को कौन अलग कर रहा है तो इंटर अर्कल सेप्टम यानी अंतः अलिंद झिल्ली अलग कर रही है। बायां नीले और दायां नीले को एक दूसरे से कौन अलग करेगा तो सेम वही बात इंटर वेंट्रिकल सेप्टम यानी कि अंतः अंतः नीले झिल्ली। मैंने कहा था इस तरीके से थोड़ा सा हमारा बॉडी का हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता कि शीशे का था दिल मेरा पत्थर का जमाना था हाय टूट गया पचक गया बिखड़ गया ऐसा कुछ नहीं होता। ना हार्ट हमारा जो है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है बकायदा इसमें टूटने उठने वाली कोई थ्योरी नहीं है। और ये चार चैम्बर में डिवाइड होता है जैसा मैंने बताया राइट अर्कल राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व और बाई लेफ्ट अर्कल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है। मैंने बताया था कि बेटा पूरे बॉडी का मान लो ये हमारा बॉडी है कोई आदमी है हम ही को मान लो ये चिंटू लाल ये 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 पूरे बॉडी का जो गंदा खून होता है गंदा बोले तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या बोल सकते हो गंदा खून कहां जाता है दाएं अलिंद में जाता है। इसके पहले ये जानना जरूरी है कि जितना भी अल्टरी है यानी जितने भी अलिंद हैं सारे अलिंद सॉरी अलिंद में बोलो जितने भी अल्टरी को बोलते हैं धमनी जितनी भी धमनियां हैं इसमें कैसा रुधिर बहता है तो O2 वाला यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है यानी कि जो रुधिर शुद्ध है। और जितने सिरा हैं ये सारे सिरों में कैसा रुधिर बहता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला बहता है या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है या बोल सकते हो गंदा खून बहता है। लेकिन हर जगह अपवाद मिलते हैं इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है सिर्फ पल्मोनरी अपवाद है यानी कि सारे धमनियों में शुद्ध लेकिन पल्मोनरी धमनी में कैसा खून बहेगा अपवाद है भाई अशुद्ध। सारे सिराओं में अशुद्ध लेकिन पल्मोनरी सिरा में कैसा बहेगा शुद्ध। ये बात हो चुकी थी पिछला वीडियो जब देखेंगे तो मैंने कहा पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि गंदा खून यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरे बॉडी का खून सुपीरियर बेना कावा और इन्फीरियर बेना कावा इन दो जो कि सबसे बड़ी क्या है सिराएं हैं ये सबसे बड़ी वेन्स हैं जो पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लाई दाएं अलिंद में जब ये भर गया तो प्रेशर बनाया तिरवले कपाट यानी ट्राइकस्पिड वाल्व खुला और ये कहां पहुंच गया आपका दाएं नीले में पहुंच गया और दाएं नीले से ये सीधा कहां पहुंच गया तो मान लो ये लंग्स है ये पहुंच गया लंग्स में किसके द्वारा गया तो ये पहुंचा खून कैसा है यहां गंदा था यहां भी गंदा है और ये खून जा भी रहा है तो कैसा जा रहा है गंदा जा रहा है ठीक। तो अब खून गंदा जब जा रहा है देखो यहां से शायद कल कम सीन हो रहा हो ये देख लो ठीक ऐसे मान लो पहुंच गया ठीक फेफड़े में गंदा खून जा रहा है ले जा रहा है पल्मोनरी तो पल्मोनरी धमनी होगी कि सिरा पल्मोनरी मैंने बताया अपवाद है तो ये क्या होगा पल्मोनरी धमनी द्वारा पहुंच गया कहां लंग्स को लंग्स में क्या हुआ ऑक्सीजनेटेड हो गया वहां ले कौन जा रहा है भाई हीमोग्लोबिन भाई साहब जो है वही आपके कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़े और क्या बनाए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहां पहुंचा फेफड़े में हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया हम लोगों ने सांस छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया हीमोग्लोबिन फिर से किसको पकड़ लेगा ऑक्सीजन को क्या बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और सीधा लेकर हमको कहां ले जाएगा ये सारे प्रोसेस करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया कि ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा हमको रिस्पायरेशन से मिलता है जब श्वसन में ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन से होती है जो कि सेल में होता है तो सेल में श्वसन होने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ले कौन जाएगा हीमोग्लोबिन और जब वहां वो ऑक्सीजन को ले जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन मान लो HbO2 है HbO2 लेकर गया तो वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा HB प्लस O2 O2 ले लेगा सेल अब HB फ्री हो गया कहां मैं जा रहा हूं सेल ने कहा भाई ऐसे कैसे जा रहे हो कुछ विदाई ले जाओ इसने श्वसन किया तो क्या बना था CO2 CA2 और HB फिर से जुड़ के HBCO2 बना दिए
यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाए, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन माने खून गंदा हो गया। इसी तरीके से पूरे बॉडी का ये गंदा खून फिर सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से कहां जाएगा, दाएं अलिंद में, फिर दाएं नीले में, और दाएं नीले से फिर जाएगा फेफड़े में, और ये सब लेकर जा रहा है पकड़ के हीमोग्लोबिन, वहां हीमोग्लोबिन स्वतंत्र हो जाएगा और ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, खून कैसा हो गया शुद्ध। और शुद्ध खून जब हो जाएगा तो ये शुद्ध खून फेफड़े से लेकर आएगा कौन, बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद में लाएगा कौन, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी खून कैसा है, शुद्ध, तो होना चाहिए क्या, धमनी पर, पल्मोनरी अपवाद है तो हो जाएगा पल्मोनरी सिरा। तो पल्मोनरी सिरा जो है ये पूरे तरीके से क्या हुआ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ गई कहां, बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से प्रेशर बना, डाइकस्पिड वाल्व खुला यानी द्विवलय का पार्ट खुला, कहां पहुंच गया, बाएं नीले में पहुंच गया, और बाएं नीले से फिर पूरे बॉडी को भेज दिया गया शुद्ध खून, किसके द्वारा गया, अरोटा, ये सबसे बड़ी धमनी है, अरोटा द्वारा, A-O-R-T-A, अरोटा धमनी द्वारा पूरे बॉडी को चला गया। यानी कहने का मतलब समझे, पहली चीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कर कौन रहा है, तो हमारे आरबीसी जब मैंने ब्लड पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया था कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो देखेंगे ब्लड वाला वीडियो तो समझ में आ जाएगा, वो कर रहा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है कि पूरे बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को लाता है, और लास्ट में वही फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ले जाता है, इस तरीके से वो कन्वर्स करने का काम करता है। दूसरी चीज देखें, पूरे बॉडी का गंदा खून यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी कि बोल सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहां आया, दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से तिरवले का पार्ट खुला, कहां गया, दाएं नीले में, दाएं नीले से जब दाएं नीले में गया तो वहां से किसके द्वारा, पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी होगा कि सिरा, खून गंदा है तो होना चाहिए था सिरा, लेकिन पल्मोनरी अपवाद है, तो पल्मोनरी धमनी द्वारा कहां पहुंच गया, फेफड़े में, फेफड़े में क्या हुआ, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, हम लोगों ने सांस छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, अब खून कैसा हो गया, शुद्ध खून हो गया, शुद्ध। तो शुद्ध खून को फेफड़े से बाएं अलिंद में लाएगा कौन, पल्मोनरी, अब पल्मोनरी शुद्ध रुधिर है तो पल्मोनरी धमनी होना चाहिए लेकिन अपवाद है, तो पल्मोनरी सिरा द्वारा शुद्ध रुधिर फेफड़े से कहां पहुंच गया, बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में पहुंचा तो प्रेशर बना, तो द्विवलय का पार्ट यानी डाइकस्पिड वाल्व खुला और कहां पहुंच गया, बाएं नीले में, और बाएं नीले से पूरे शरीर में चला गया। तो इस तरीके से चार वाल्व बने, एक ये ट्राइकस्पिड वाल्व, एक बाइकस्पिड वाल्व, और ये जो पल्मोनरी है इसको बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, और ये जो अरोटा, यहां देखो अरोटा है तो इसको बोलेंगे अरोटा वाल्व या अरोटिक वाल्व। तो ये चार वाल्व होते हैं जिनका बहुत मेजर रोल होता है, कौन कौन से, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, और आपका पल्मोनरी वाल्व और अरोटिक वाल्व। इन्हीं चारों वाल्व के फंक्शन से पूरा हार्ट हमारा वर्क करता है। और वाल्व का काम क्या होता है, तो जैसे इससे ब्लड इसमें आ जा गया, इससे ब्लड दाएं अलिंद से दाएं नीले में आ जाए, लेकिन दाएं नीले से फिर दाएं अलिंद में ना जाए, इसलिए ये क्या करता है, ब्रेकर का काम करता है, इससे इसमें आ जाएगा पर इससे इसमें नहीं जाएगा, ठीक। यानी कि जब बाएं नीले से पूरे बॉडी को खून चला जाएगा लेकिन पूरे बॉडी का खून दोबारा ना जाना पड़े, इसलिए उसमें एक वाल्व लगा होता है जो इधर से सप्लाई करेगा पर वापस रिटर्न नहीं आने देगा। वाल्व का काम बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, चाहे साइकिल का वाल्व हो, चाहे टायर देखते हो, टायर में भी वाल्व लगता है, उसका भी काम क्या है कि हवा भरोगे तो इधर से तो हवा चली जाएगी लेकिन वापस रिटर्न नहीं आने देगी। तो वाल्व का काम यही है, रिटर्न नहीं आने देता है। यहां दाएं अलिंद का खून जब दाएं नीले में चला जाता है तो दाएं नीले से दाएं अलिंद में दोबारा नहीं आने देता, कौन, ट्राइकस्पिड वाल्व। बाएं अलिंद का खून बाएं नीले में जाने के बाद दोबारा नहीं आने देता, कौन, बाइकस्पिड वाल्व। दाएं अलिंद का खून एक बार शुद्ध होने के लिए जब फेफड़े में जाता है तो रिटर्न नहीं आने देता, कौन, पल्मोनरी वाल्व। और बाएं नीले का खून एक बार शरीर में रिटर्न जब प्रेशर के साथ जाता है तो रिटर्न ना आए इसलिए वहां लगा होता है आपका अरोटिक वाल्व। ये चारों वाल्व होते हैं जिसमें कभी कभी फंक्शनल दिक्कत जब आ जाती है तो बोला जाता है कि इसको कार्डियक मर्मर हो गया है, यानी कि उसका साउंड सुनते हैं डॉक्टर तो डब लब की आवाज, लब डब, लब डब, लब डब की आवाज नहीं आती, उसमें मरमराहट की आवाज आती है जिसको डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनने के बाद फील करते हैं, और देन फील करने के बाद उसको लिख देते हैं इको की जांच कराओ। इको की जांच कराने पर हमारे वाल्व के फंक्शन को पता चलता है कि चारों वाल्व अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर किसी वाल्व के फंक्शन में प्रॉब्लम है, या मैंने कहा अर्कल अर्कल के बीच में जो दीवार है, कभी कभी जन्मे या एक बैक्टीरिया बचपन में बुखार होता है, काली खांसी, कुकुर खांसी बोलते हैं, उस समय बैक्टीरिया का अटैक होता है जिससे अलिंद और नीले के बीच में छेद हो जाता है, दिल में छेद हो जाता है, कहते हैं इसके दिल में छेद है। तो जब दिल में छेद होता है
या आपका वाल, ये दोनों अलग अलग बीमारी है। वाल प्रॉब्लम अलग है, दिल में छेद होना बीमारी अलग है। दिल में छेद होता है तो उसके बॉडी से कहीं से एक, जब लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है तो एक ऑपरेशन करके उसके छेद को हील कर दिया जाता है, पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाता है। वाल में क्या करते हैं कि पूरा बकायदा, पहले तो थोड़ा मॉडर्न टेक्निक आ गई, नहीं तो पहले ये अभी भी ज्यादातर यही होता है कि पूरे रिबकेज को काटा जाता है, फेफड़े को हटाया जाता है, बकायदा तुम्हारे हार्ट को प्लेट में रख लिया जाता है और आपके पूरे हार्ट के सिस्टम को एक आर्टिफिशियल मशीन से जोड़ दिया जाता है जिसमें वो हार्ट का काम करता है और आपका वाल्व ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कैसा? आर्टिफिशियल वाल्व जोड़ दिया जाता है। ये नेचुरल था, भगवान द्वारा बनाया गया वाल्व था, इसके जगह पे एक आर्टिफिशियल वाल्व लगा दिया जाता है। और वाल्व लगाने के बाद फिर से फेविकोल लेकर नहीं, पर उनका अपना ग्लू होता है, पाइप वाइप जोड़ के, और हनुमान चालीसा, जय श्री हनुमान, श्री गुरु चरण सरोज रन निजमन मुकुट सुधार, भर नव रघुबर विमल जस जो दायक फल चारो, बुद्धहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल विद्या बुद्धि देव में हरो कलेश विकार। इतने टाइम में अगर हर्ट चल गया, धड़क गया, तो आदमी आ गया, अगर नहीं आया तो खर्च हो गया, 1-2% खर्च हो जाते हैं, ज्यादातर ऑपरेशन सक्सेस है। ठीक, तो ये हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ये सब सारी चीजें करना जरूरी है। आज हम लोग बात जिस पे करने वाले हैं कि भाई इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इसका, इतना क्रियाविधि इसका इतना डिफिकल्ट है, ये चलता कैसे है, ये करता कैसे है, कार्डियक अरेस्ट कैसे होता है, हार्ट अटैक कैसे आता है। और सोचो अभी बड़े बड़े एक्टर देख रहे हो, कितने हष्ट पुष्ट, तगड़े, मोटे, अच्छे तगड़े, और खर्च हो जाते हैं। इस समय क्या है कि आप देखेंगे सरप्राइजिंग डेथ बहुत हो रही है, और जो सरप्राइजिंग डेथ होती है वो ज्यादातर तो दो ही चीजों से होती है, या तो ब्रेन हेमरेज या तो कार्डियक अरेस्ट। पता ही नहीं चलता आदमी को, अच्छा खासा तंदुरुस्त देखने में बॉडी बिल्डर, बस खर्च हो गया, सोच के सरप्राइज हो जाता। कैसे? मतलब ऐसी ऐसी पर्सनालिटी जो विस्मित करते हैं। 2-2 दिन तक तो मैं खुद ही सदमे में था जब रोहित सरदाना जैसे वाल को ये हुआ कि कोरोना को जीतने के बाद उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। मुझे लगा ऐसे कैसे, इतना फिट आदमी कैसे हो गया। बड़ा दिन तक मैं दुखी, मतलब काफी विषाद में था कि ऐसे कैसे हो गया। भाई एक राष्ट्र प्रेमी जर्नलिस्ट, तहे दिल से मैं उसे को मानता था भाई, और ऐसे जब शख्सियत पृथ्वी से हटते हैं तो बहुत दुख होता है। खैर, मैंने कहने का मतलब भी होता कैसे है तो इसका थोड़ा सा जानकारी रखते हैं। तो एक्चुअली जो हमारा हार्ट है ना, ये देखो हार्ट था, अब इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं थोड़ा सा। मान लो थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा, समझ लो, समझने के लिए सफिशियंट है। ये दायां लिंब था ट्राइकस्पिड वाल, यहां बाइकस्पिड वाल। दायां लिंब दायां नीले, बायां लिंब और बायां निलय। देखो होता क्या है कि दाएं इलेंड में ये कैसे चलता है, तो सबसे पहले जानो यहां होता है एक एसए नोड, एसए नोड जिसको बोलते हैं साइनोएड्रिनियल नोड। ये एक्चुअली बना किसका होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, एक प्रकार का ये भी क्या है, मसल्स हैं, मतलब पेशियां ही हैं। साइनोएड्रिनियल जो नोड होता है ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और ये सबसे पहले किसी भी वेव्स को क्या करता है, फील करता है। मान लो एसए नोड में करंट बना, तो उसने करंट बना किया, और उसने सारा करंट कहां भेज देता है, एबी नोड को भेज देता है। कहां? एबी नोड को करंट भेज देता है। एसए नोड से एबी नोड और एबी नोड से दोनों कहां चला जाता है, दायां लिंब, दायां निलय और बायां निलय, दोनों में करंट फैल जाता है, और इस तरीके से दोनों अपनी क्रियाविधि को करते हैं, यानी कि हार्ट काम कर से कहता है। तो मैंने बताया था 1 मिनट में एवरेज 72 टाइम दिल धड़कता है, जिसमें 0.8 सेकंड क्या लगता है, एक धड़कन में लगता है। और एक धड़कन में होता क्या है, मैंने कहा इस तरीके से काम नहीं होता कि सारा खून पहले दायां लिंब में गया, फिर दायां लिंब से फिर दायां निलय में गया, फिर दायां निलय से फेफड़े को गया, फिर बायां लिंब में आया, फिर बायां निलय में गया, फिर बायां निलय से अरोटा द्वारा पूरे शरीर में गया। ऐसा नहीं होता, एक साथ होता है, दायां लिंब और दायां बायां लिंब एक साथ काम करते हैं, और दायां निलय बायां निलय एक साथ काम करते हैं, यानी कि दोनों अर्कल में जब क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, यानी कि दोनों अलिंद में जब संकुचन होता है, उस समय दोनों निलय शिथलन में होते हैं। यानी कि जब अर्कल अर्कल में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो वेंट्रिकल वेंट्रिकल में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा,
मतलब जब ये काम कर रहे थे तब ये आराम कर रहे थे, जब ये काम करेंगे अब दोनों वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा यानी संकुचन होगा, तो ऊपर वाले क्या करेंगे, रिलैक्सेशन होगा, इन दोनों में आराम करेंगे। आराम की अवस्था क्या है, जब इनके अंदर पूरे बॉडी का गंदा खून आ रहा है तो बैठे भर रहे हैं गड़गड़ आराम की अवस्था है ना, खून भर रहा तो आराम है। इसमें भी क्या हो रहा है, तो फेफड़े से खून आ रहा है, शुद्ध रुधिर आ रहा है इसमें बाएं अलिंद में, तो इसमें भी भर रहा है, तो ये रिलीफ की अवस्था है, आराम की अवस्था है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। और जब इसमें संकुचन होगा यानी कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये क्या करेगा, खून फेंकेगा इसमें, बाया अलिंद बाया नीले को फेंकेगा, दाया अलिंद दाया नीले को फेंकेगा, यानी अब इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन, तो इसमें भरेगा और ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन, यानी ये दोनों आराम कर रहे हैं। अब ये दोनों फेंकेंगे कहां, ये फेंकेगा कहां, पूरे तुम्हारे फेफड़े को, गंदा खून है ना, दाया अलिंद से कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी द्वारा जाएगा कहां, फेफड़े में शुद्ध होने के लिए, और ये फेंकेगा अरोटा को, अरोटा अरोटिक वाल्व है यहाँ, यहाँ पल्मोनरी वाल्व है, तो अरोटिक वाल्व लगा ये इसको फेंकेगा, जब ये दोनों काम करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, आराम करेंगे। तो अब ये इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल, यानी 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, यानी एक धड़कन में कितना टाइम लगता है, तो 0.8 सेकंड लगता है, या कह सकते हो कि हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन यानी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, या बोल सकते हो ब्लड का एक बार हार्ट में आके बाहर तक निकलने का पूरा जो साइकिल होता है उसको बोलते हैं एक कार्डियक साइकिल, या कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, दो अलिंदों का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन और अर्कल वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन क्या कहलाता है, एक कार्डियक साइकिल कहलाता है, जिसमें 0.8 सेकंड लगता है। अब भैया हार्ट आराम कब करता है, तो 0.4 सेकंड ऐसा टाइम होता है जिसमें अर्कल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्सेशन पोजीशन में होते हैं, ध्यान देने वाली बात, 0.4 सेकंड ऐसा होता है जिसमें अर्कल वेंट्रिकल दोनों रिलैक्सेशन पोजीशन में होते हैं, उसी में दिल आराम करता है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझ लो कि दो हार्ट बीट के बीच का जो समय होता है उसी में हृदय क्या कर लेता है, आराम कर लेता है, थोड़ा सा मजा कर लेता है। तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि हार्ट बीट किससे मेजर करते हैं, आपको पता है डॉक्टर साहब कान में लगाए हुए हैं, दिल का धड़कन, दिल की आवाजें सुनते हैं ना, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया नहीं था कि एक गाना है कि दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी धड़कनों को समझो, तुम मुझसे प्यार कर लो। तो धड़कनों को समझने के लिए खैर नीट निकालना पड़ेगा, MBBS करना पड़ेगा, MD पढ़ना पड़ेगा, कार्डियोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा, चाहे आप सर्जन बने चाहे आप MD से कुछ फिजिशियन बने, लेकिन आपको साउंड सुनना है तो बेसिकली आप किससे सुन सकते हो, तो स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हैं, और ब्लड प्रेशर जो ऐसे लगा के डॉक्टर साहब हुई 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 स्टेथोस्कोप लगा के करते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं स्फिग्नोमीनोमीटर। तो स्फिग्नोमीनोमीटर से हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 120/80 mmHg होती है, जिसमें ये क्या है, ये सिस्टोल है, मतलब ये क्या है, संकुचन है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन है, या सिस्टोल बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्शन या संकुचन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, और नीचे वाली वैल्यू को डायस्टोल बोलते हैं, यानी कि इसको चाहे डायस्टोल बोलो चाहे शिथिलन बोलो चाहे रिलैक्सेशन बोलो, तो ये सब एक ही बात है, जब प्रेशर होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, जिस समय प्रेशर के साथ ब्लड जा रहा होता है उस समय वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 120, और जब रिलैक्स अवस्था में होता है तो उस समय कितनी होनी चाहिए, 80, अगर इससे ज्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर हाई, इससे कम हो गया तो ब्लड प्रेशर लो। अब ये होता क्यों है, तो मैंने बताया कि ओबेसिटी इज अ मेजर काज ऑफ दिस, मतलब अगर मोटापा हो गया तो उसमें आर्टरियों में क्या होती है कि आपके कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है, जिससे स्पेस कम हो जाता है। अब अगर जैसे मान लो इतने मोटी पाइप में पानी जा रहा था, आप में कोलेस्ट्रॉल जमा होकर पाइप पतली हो गई, तो अगर पाइप पतली हो गई तो अभी उसका टुल्लू का पाइप पकड़ो मुंह दबा दो तो क्या होगा, बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन उसमें लोड बढ़ेगा ना, लोड पड़ेगा किस पे, मोटर पे पड़ेगा। हमारा यहाँ मोटर कौन है, कार्डियक का जो पूरा मोटर है वो हमारा हार्ट है, तो हार्ट पे क्या बनेगा, प्रेशर पड़ेगा, दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ने के बाद एक दिन ऐसी भी आ सकती है कि तुम्हारा कार्डियक अरेस्ट हो जाए। दूसरी चीज मैंने कहा था, ऐसा होता है कि दोनों अर्कल एक साथ काम करते हैं, दोनों वेंट्रिकल एक साथ काम करते हैं, इसमें जब खून आ रहा होता है किससे, पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से आता है, तो ये रिलैक्सेशन में है, इधर तुम्हारा लंग से ब्लड आ रहा है किसमें,
पल्मोनरी अर्टरी द्वारा, पल्मोनरी वेन द्वारा आ रहा है जो ये भी रिलैक्सेशन में है। अब ये दोनों रिलैक्सेशन में थे, अब दोनों में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, दोनों ब्लड कहाँ गए, दोनों ये राइट एंकल से राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, लेफ्ट एंकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन, ये दोनों रिलैक्सेशन होंगे तो ये फेंक देगा पूरे बॉडी को, अरोटा अरोटिक वाल्व खुलेगा और अरोटा द्वारा, ये सॉरी ये पल्मोनरी वाल्व खुलेगा और पल्मोनरी द्वारा पहुंच जाएगा लंग्स में, और ये अरोटिक वाल्व खुलेगा इसके द्वारा पहुंच जाएगा पूरे शरीर को। और यहां से जब यही प्रेशर बताता है कि जब इसमें प्रेशर होता है तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए 120, और जब यहां प्रेशर नहीं होता तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए 80। इससे ज्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर हाई, इससे कम हो गया तो ब्लड प्रेशर लो। दूसरी बात कि जो एक मेजर चीज समझें कि मैंने बताया कि इसमें साइनोएड्रिनियल नोड का बड़ा वर्क है, फिर ये भी नोड का वर्क है, फिर कैसे काम करता है। लेकिन देखो इसमें जो साउंड हम लोग सुनते हैं उसमें एक्चुअली अर्कल का कोई ज्यादा विशेष रोल नहीं है, पूरा पूरा रोल किसका होता है, वेंट्रिकल का रोल होता है। पहली कंडीशन क्या होती है कि जब ये दोनों वाल्व, खून यहां आया, अब इसको जाना है इधर, तो जब खून इधर आता है तो ये दोनों वाल्व, जब खून आ गया तो ये दोनों वाल्व बंद होते हैं, और ये दोनों वाल्व जब बंद होते हैं तो थोड़ा ऐसी आवाज आती है, ड ड, मतलब थोड़ा धीमे आवाज आती है डब, और जब ये पल्मोनरी और अरोटिक वाल्व एक साथ बंद होते हैं तो आवाज आती है लब। तो आवाज कैसी आती है, आवाज इन्हीं दोनों वाल्व के कारण आती है, डब मतलब जो लब की, सॉरी ये मैंने ऐसे लिखा ल यू बी, लब और दूसरा डब। तो लब की आवाज कब आती है, जब बाइक स्पीड और डाइक स्पीड वाल्व बंद होते हैं तो आवाज कैसी आती है, लब लब। नीचे की आवाज कैसी होगी, डब, तो लब डब लब डब लब डब। लब की आवाज कब आएगी, जब बाइक स्पीड वाल्व और डाइक स्पीड वाल्व, ट्राइक स्पीड वाल्व बंद होंगे तो आवाज कैसी आएगी, लब। जब तुम्हारा कौन सा वाल्व बंद होगा, इधर पल्मोनरी वाल्व और इधर अरोटिक वाल्व बंद होगा तो आवाज कौन सी आएगी, डब। तो लब डब लब डब। अगर ये साउंड गड़बड़ हो गया तो क्या बोले थे, कार्डियक मर्मर, तो मतलब वाल में कहीं दिक्कत, यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क, यानी कि मामला गड़बड़। दूसरी चीज, कार्डियक अरेस्ट एक ओबिसिटी बड़ा मेजर काज है, मोटापा हो गया तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। दूसरी चीज, एक्चुअली हमारे हार्ट जो है ना, ये बड़ा यूनिक मशीन है, भगवान ने बड़ा जबरदस्त बनाया है। ये सारे को डिसाइड किया है, जैसे कभी चपक के खाना खा लो, मटर पनीर की सब्जी मिल गई, या भंडारे में गए हो, घर का तो लग नहीं रहा है, पूरी और बढ़िया कद्दू की सब्जी पाए हो, गर्मा गर्म खाए चले गए, घट 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 घट, यहां तक जब तक पहुंच नहीं गया कि रात को भी खाना ना बनाना पड़े, सुबह वाला निपट लें, रात वाला भी निपट लें, अब यहां तक खा लिए, शाम को किताब लेकर बैठे और हिस्ट्री उठा लिए, हिस्ट्री में एंशियंट उठा लिए, और वहीं कहीं दक्षिण साम्राज्य उठा लिए, चुंग चोल चालुक पल्लो वंश जब उठा लिए तो क्या होगा, तुरंत नींद आ जाएगी। काहे नींद आ जाएगी भैया, अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो उस समय हार्ट को ज्यादा ब्लड सप्लाई करना होता है माइंड को, और जब डाइजेशन सिस्टम चालू हो जाता है तो ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए किसको, डाइजेशन सिस्टम यानी पेट वेट को, सारे जितने ऑर्गन इंक्लूड हैं। तो अब एक साथ तुम दोनों काम कर रहे हो, डाइजेशन सिस्टम कह रहा है हमको खून चाहिए, माइंड कह रहा है हम पढ़ रहे हैं हमको चाहिए, तो दिमाग क्या करता है कि ये कार्डियक जो हमारा हृदय है उस समय वो डाइजेशन सिस्टम कहता है तुम्हारा काम तो चलने वाला नहीं, तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को ज्यादा खून देता है और दिमाग को कम देता है, तो इसके लिए लैक्टिक एसिड बन जाता है और हमको नींद आ जाती है। समझ में आई बात। दूसरी चीज, मतलब कभी जबरदस्त खा के पढ़ाई करो यही कंडीशन होगी, ठीक, या कभी तकिया ना लगाओ, पैर दोनों टांग दे ऊपर ऐसे नीचे, तो मैं उल्टा करके पढ़ाऊं देखो नींद आ जाए तो कहो, या तकिया ना लगाओ, तो तकिया नहीं लगाओगे तो दिमाग में ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा, तकिया क्यों लगाते हैं, तब हमें नींद अच्छी आती क्यों, जब सर ऊपर कर लोगे बच्चा, तो जब सर ऊपर हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई सर में थोड़ा सा कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम होगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा और हमें नींद आ जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। दोनों काम एक साथ करोगे, चपक के खाओगे चपक के पढ़ोगे तो दोनों संभव नहीं है, इसीलिए कहा गया काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथेउचा अल्पहारी, अल्पहारी कम खाना है गृह त्यागम विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो विद्यार्थी के लक्षण में चपक के खाने वाले कहीं व्यवस्था नहीं है, तो इस तरीके से आप देख लें कि पूरा फंक्शन कैसे होता है, लब की आवाज कहाँ थी, डब की कहाँ थी। मैंने कहा हृदय सबको खून देता है, लेकिन हृदय काम तो कर रहा है ना, तो खुद भी खून लेता है, और जब खुद खून लेता है तो हृदय को जो खून ले जाता है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी से खून जाता है और कोरोनरी सिरा से हृदय का गंदा खून निकलता है, कोरोनरी
सिरा से, यानी कि हृदय को ब्लड सप्लाई कौन करेगा, तो कोरोनरी धमनी करेगा। और डीऑक्सीजनेटर जब गंदा हो जाएगा तो कोरोनरी सिरा द्वारा बाहर आ जाएगा। तो नाम उसका क्या है, कोरोनरी। होता क्या है कि हृदय को जो ब्लड सप्लाई कर रहा है कोरोनरी बेटा, इसमें कभी कभी ब्लॉकेज हो जाते हैं, और जब ब्लॉकेज हो जाते हैं तो ब्लड की सप्लाई ढंग से हृदय को नहीं हो पाती। सोचो इतना काम देखना है, जो खुद ही खून नहीं पाएगा तो क्या होगा, खून नहीं पाएगा तो दिक्कत होगी। एक दिन रात को पसीना होगा, तुमको गर्मी लगेगी, भाई हाथ में दर्द उठते हुए इस दर्द बैग से होते हुए जाएगा और पसीना होगा, घबराहट होगी और फिर चला जाएगा और समझ नहीं पाओगे। और जाके अगर ईसीजी करा लिए तो पता लगा माइन्यूट कार्डियक अरेस्ट था, और अगर ज्यादा ब्लॉकेज है तो तगड़ा कार्डियक अरेस्ट हो गया, और कार्डियक अरेस्ट दो तीन बार हो गया तो आदमी खर्च हो गया। तो कार्डियक अरेस्ट अब जब आ रहा है तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, ये आपके जो ब्लॉकेज है इसमें एक स्प्रिंग डालते हैं और स्प्रिंग से पूरे इस ब्लॉकेज को निकाल के बाहर रख देते हैं और इसमें एक रिंग डाल देते हैं जिससे इसकी मांसपेशियां एक दूसरे में चिपके ना। एंजियोप्लास्टी करके आपके उस जो ब्लॉकेज होता है उसको हटा देते हैं और उसमें एक क्या डाल देते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम डाल देते हैं जिससे वो दोनों चिपके ना, और फिर आप जबरदस्त तरीके से रहते हैं। तो ये सब कहानी है कि मतलब योगा करें, नियमित रहें, दिनचर्या सही रहें, बाकी हुई है वही जो रामरच राखा, पढ़ते रहें, गुनगुनाते रहें। हम लोग दूसरे वीडियो में एक वीडियो इसका और बनेगा जिसमें इसके सारे डिजीज को हम लोग खत्म कर देंगे, कौन सी डिजीज कैसे होती है, दिल से जुड़े हुए सारी बीमारियों का हम लोग एकदम बकायदा ऑपरेशन करेंगे। और ऑपरेशन के बाद आपको शिद्दत के साथ बता रहा हूं कि पूरी फुल शिद्दत के साथ अगर पढ़ेंगे तो हम पूरे ऊर्जा के साथ पढ़ाएंगे और मजा आ जाएगी। और इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, जहां के भी लेवल हैं हमारे कंपटीशन में जो आते हैं, मैं नहीं कह रहा जाके नीट के पेपर के लिए बैठो, लेकिन इससे जुड़े जो हमारे वन डे एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी पेपर हो आपके हो जाएंगे। ठीक, चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।